हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड। मैं हूं आपके साथ शिवानी। बात फिल्म फेयर अवार्ड्स की। बॉलीवुड के सबसे बड़े अवार्ड शो फिल्म फेयर 2020 पर इस बार अनफेयर होने के आरोप लग रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि इस बार जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय ने सबसे ज्यादा कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किए हैं। लेकिन अब लोगों को लगता है कि ये गलत हुआ है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि गली बॉय इतने अवार्ड डिजर्व नहीं करती है। इसके अलावा हंगामा इस बात पर भी है कि अनन्या पांडे को बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड दिया गया है, और इन सब की वजह से अब सोशल मीडिया में बॉयकॉट फिल्म फेयर हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। इन सब के बीच अब बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी भी अवार्ड शो में जाने से मना कर रहे हैं। आखिर सलमान खान ने क्या कहा, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आपको बेल आइकन पर भी क्लिक करना है, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। I think only people who don't have that confidence in themselves, they want awards. I would not go up and pick up a Filmfare award. I would not go up and pick up an Instagram. Just like Abhi, there are 3-4 awards that they contacted me for. I didn't want to go and pick them up. National award mile, that's prestigious, that I'll go and pick it up. But I will not go to a magazine that is running on our strength. Understand? कि आपके इंटरव्यू पे और यू नो स्टार्स के इंटरव्यू पे ये मैगजीन चल रही हो, वही आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये गोइंग टू गिव यू एन अवार्ड, यू कम एंड परफॉर्म दिस दैट ये वो, एंड देन दे सेल इट टू पान पराग और मानिक चंद वट एवर, एंड वी आर लाइक इडियट्स इन ऑन द एंड, सूट वूट पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं। एंड वन इज दिस लाइक टुमारो माई ड्राइवर माई सर्वेंट एंड माई बॉय एंड माई मेकअप मैन सेल्फ, बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं। स्टूपिड। हम आपको बताते हैं कि सलमान इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। सलमान कहते हैं, मुझे लगता है जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो अवार्ड लेना चाहते हैं। मैं फिल्म फेयर या कोई और स्टूपिड अवार्ड लेने नहीं जाऊंगा। नेशनल अवार्ड मिले तो वो प्रतिष्ठित है, उसे मैं जाकर लूंगा। मैगजीन जो हमारी वजह से चल रही है, आपके इंटरव्यू और स्टार्स के इंटरव्यू पर जो मैगजीन चल रही है, वही आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो इस बार हमें अवार्ड देंगे। आप आकर नाचते हो, फिर वो पान पराग और मानिक चंद को भेजते हैं, और हम बेवकूफों की तरह सूट बूट पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं। ये ऐसा है कि कल मुझे मेरा ड्राइवर, स्पॉट बॉय और मेकअप मैन कहे कि बाबा आज हम आपको अवार्ड देते हैं, ये बेवकूफाना है। हालांकि सलमान खान का ये वीडियो काफी पुराना है, और ये सब कहने के बाद भी सलमान खान शोज में जाते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। वहीं सोशल मीडिया में कई तरह के मीम्स और पोस्टर भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें फिल्म फेयर को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा फैंस ने केसरी, सुपर 30, मिशन मंगल के पोस्टर भी शेयर किए हैं। लोगों का कहना है कि इन फिल्मों को भी अवार्ड मिलना चाहिए। इसके साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के गीतकार मनोज मुंशी ने अपने गाने को फिल्म फेयर अवार्ड न मिलने पर फिल्म फेयर का बहिष्कार करने का फैसला किया है। मनोज मुंशी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। उनका कहना है, अब वो मरते दम तक किसी भी अवार्ड शो में नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि साल 1954 में शुरू हुए फिल्म फेयर का इस बार 65वां साल था। इतने सालों में आज तक किसी भी एक फिल्म को 13 अवार्ड नहीं मिले। आपको बता दें कि अब तक फिल्म फेयर में हाईएस्ट अवार्ड संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक को मिले थे। ब्लैक ने 11 अवार्ड अपने नाम किए थे। तो 2020 में जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गली बॉय ने 13 अवार्ड अपने नाम किए हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एनएन बॉलीवुड।